जब इस लड़की के पैर छू रहा था तो वो सारा इस पट्टर मुस्कुरा रहा था। छोटे, आपको नहीं मालूम है, तुमने गलती किया। मोहन की बहन सुमन क्या कह रही थी कि मंत्री महोदय राम उदास सिंह के भाई हमारी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करना चाहते थे। अगर समाज के अंदर उसके साथ में इंसाफ नहीं करता तो जिला जौनपुर शांति नगर के निवासियों हमारे नाम पे कीचड़ खड़ा। छोटे, मैंने चाटा तेरे गाल पे जरूर मारा है, लेकिन निशान मेरे गाल पे बने हुए हैं। साथ साथ क्या बोला राजेश का भाई पट्टर अजय, जब तो ये पैर छूता था तब वो मुस्करा रहा था। उस लड़की को राजेश ने भड़काया है, इसीलिए आकर के तुम्हारी मेटी में वो चेक चेक करके अपना गला चीर रही थी कि आपका भाई नागेश्वर हमारी रास्तों का रोड़ा और रास्ते में छोटे है। वो खाकी वर्दी वाला भूल गए अपनी औकात को, तुम्हारे नाम पे कीचड़ उछला। अरे मुस्कुरा रहा था। छोटे घबराओ नहीं, ये तेरा भाई राम उदास सिंह राजनीति में इतना बड़ा हुआ है, अगर मैं उसे खून के आंसू ना रुला दिया तो हमारा नाम राम उदास सिंह नहीं है। दादा ठाकुर, हमें तो कहते हमारा पिस्टल लाओ। उस पट्टर ने बेटी में मुस्कुराया है, हम उसकी मुस्कान है। आपको मालूम होना चाहिए जो एसपी राणा है, एसपी राणा है, अरे नौकर गवर्नमेंट का है, तनख्वाह गवर्नमेंट से लेता है, लेकिन काम वो हमारा करता है, तुम्हारा करता है। आज चलो
हमेली में चलो मेरे साथ, मैं तुमको राजनीति के पाठ बताऊंगा कि दुश्मन को कैसे मारना चाहिए। दादा ठाकुर तो चलो हमेली के अंदर हमें राजनीति का वो पाठ बताओ जिस तरीके से उस पर डर दुनिया था। शायद आप लोगों को नहीं मालूम कि मेरा क्या नाम है। मेरा ही नाम गीता है और मैं इसी शांति नगर की रहने वाली हूँ। और हमारे पति जी का नाम इंस्पेक्टर अजय है और एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश है। बचपन में राजेश के जब से माता पिता भगवान को प्यारे हो गए, हमने राजेश को अपना देवर नहीं बल्कि उसे अपना बेटा समझती चली आई। उसे इतना प्यार दिया कभी माँ का प्यार एहसास नहीं होने दिया। आज काफी समय हो गया, मेरा देवर जब जब कॉलेज को जाता है वो मेरा आशीर्वाद लेके ही कॉलेज को जाता है। ठीक है, मैं अपने देवर का इंतजार करती हूँ, वो आता ही होगा। और भाभी माँ के चरणों में, और भाभी माँ के चरणों में, और बेटे का परना खुशहाल रहे और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहे। क्यों नहीं भाभी? नमस्ते नमस्ते। ये चिट्ठी आई है। चिट्ठी? राजेश ये तो तुम्हारे नाम का खत है। हमारे नाम का खत? चलो लो पढ़ो,
इतिहास में लिखा है किसी का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। भाभी अरे देवर तुमने खत खोलते खोलते इतना खुश हो गए। हाँ भाभी। और खुशी की बात देवर हजारी, खुशी की बता जानना चाहती हो? अरे क्यों नहीं जानूंगी यार। और किया पास मैंने ललती है भाभी, मुंबई से बुलावा आया है। हाँ भाभी। अरे इतनी खुशी की बात क्या है, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं ये खुशखबरी अपने पति को। अरे तुम कब आ गए? अरे जब ये तुम्हारा लाडला देवर तुमसे आशीर्वाद ले रहा था मैं उसी वक्त आ गया था। लेकिन अरे राजेश ये क्या है भैया? जो मैंने वकालत का फार्म पास किया है इसीलिए बुलावा आया है बंबई के लिए, आप खुद देख लो। अरे वाह, तो बात सुनकर तेरे दिल खुद हमारा हुआ। मेहनत करो और भाई पढ़ो, जग में रोशन करो ना मुझिया। अरे स्वामी स्वामी जी तुमने देखा ही क्या है, जब मेरा देवर वकालत पास करके वकील बन के आएगा तब मैं अपने हाथों से अपने देवर को गले में सोने की चेन पहनाऊंगी। अच्छा बस छोटी सी बात। क्यों? जब मेरा भाई शहर से वकालत पास करके आएगा तो मैं भी अपने हाथों से अपने भाई के हाथों में सोने के गले। क्या भैया? लेकिन राजेश जाने से पहले मैं तुमको नसीहत देना चाहता हूँ। नसीहत? हाँ देखो, तुम बॉम्बे शहर के लिए जा रहे हो, बॉम्बे शहर तुम्हारे लिए एक नया शहर होगा। क्यों नहीं भैया? लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरी एक नसीहत तुम सुन लो, क्योंकि जब जाओगे रास्ते में कोई लड़की मिलेगी तो उससे तुम क्या
किस नजर से देखोगे? बहन के रूप में देखूंगा। हाँ, अगर जो कोई बुजुर्ग इंसान मिल गया उसे तुम किस नजर से देखोगे? पिता की समान। हाँ, और वहाँ जाने से तुम कोई ऐसा काम मत कर देना जो मजबूरन मुझे अपने ही हाथों से तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगाना पड़े। और जाने से पहले एक बात मेरी और सुन लो, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि जो 3 वर्ष का था तो माता पिता का देहांत तो हो गया, इसलिए मैंने तुझे बड़े लाड और दुलार के साथ में पाला है। तू ऐसा कोई कदम मत उठा देना जो समाज में मेरा सर नीचा हो जाए। नहीं भैया, जब से मैंने अपना होश संभाला है, अरे तुम्हीं दोनों को तो मैं अपना माता पिता समझता हूँ भैया। राजेश, आज तेरे जाने के बाद तेरी याद बहुत आएगी। नहीं भाभी, आज मुझे खुशी इतनी भगवान ने दिया है कि इस खुशी के साथ साथ हमारे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हमारा देवर देवर नहीं बल्कि वो हमारा बेटा है। राजेश, तेरे जाने के बाद जब तू कॉलेज जाता था तो मेरी निगाहें कॉलेज की तरफ लगी रहती थी कि हमारा देवर जल्दी आए, क्योंकि जब तक मैं अपने देवर को अपने हाथों से खिला नहीं देती थी तब तक मैं खाती नहीं थी। क्यों नहीं भाभी? राजेश, आज तेरे जाने के बाद ये छोटा सा घर जो स्वर्ग से सुंदर प्यारा लगता है, आज यही घर हमें काटने को दौड़ेगा। नहीं भाभी, मैं हमेशा के लिए थोड़ी न जा रहा हूँ। राजेश, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार न छूटे, हाँ तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार न छूटे। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, सूरज चंदा तारे तुम ही से है ये नीना, तुमको हो प्राणों से नारे, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा घर परिवार तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार। अरे वाह, आज मेरा भाई बॉम्बे शहर के लिए वकालत पास करने गया है। जब मेरा भाई राजेश वकालत पास करके आएगा पूरे शांति नगर में मैं लड्डू बटवाऊंगा। क्यों बेटा? अरे तुम हटो, तुम मुझसे बात नहीं करो। अरे ओप्पो, तुम बताओगी आखिर तुम नाराज मुझसे क्यों हो? अरे यार, नाराज आपसे नहीं हूँ। क्यों? नाराज तो तुम्हारी ड्यूटी से। ड्यूटी? सुबह से शाम हो जाती बस वही ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। अरे गीता, तुम नहीं जानती हो ये ड्यूटी नहीं बल्कि एक जाने बवाल है। नहीं तो खाना खाने की फुर्सत, नहीं नहाने की फुर्सत, दिन रात गुंडे मवालियों के पीछे पड़ा रहता हूँ। अच्छा, हाँ मैं चाहती हूँ जितने भी गुंडे मवाली है सब तुम्हारे एक न एक दिन हिरासत में हो, ताकि ये शांति नगर इसमें शांति ही बनी रहे, अशांति नहीं होनी चाहिए। सही कहा गीता, इसीलिए तो तुम संग प्रीत लगाती हूँ मेरे सजना जी। ए, तुझी संग प्रीत लगाई सजना,
सजना सजना समय हमारी भाभी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी अपने भाभी माँ को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन आज आज अपने भाभी माँ की आंखों में आंसू देख करके हमारा कलेजा ही फट गया। लेकिन भाभी माँ मैं भी क्या कर सकता हूँ, अरे हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाभी माँ हम तो प्रदेश के लिए निकल रहे हैं, भाभी माँ अपना ख्याल रखना। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, झूठा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए,
लाओकर हमें ये बताओ, राजेश्वर को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? छोटे मालिक, ना तो राजेश्वर को जमीन खा गई है ना आसमान निकल गया है। नजर डालो जरा सामने, देखो वो आपका दुश्मन राजेश्वर और वो सर। कहने का मतलब हमारा दुश्मन राजेश है और ये सारा कहां के लिए जा रहा है? चलो बढ़ाओ पैगाम, राजेश को दुनिया से। बदला जग ने भी